राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ ने अपनी 11 सूत्रीय मांगों के निराकरण के लिए पशु चिकित्सा संघ के नोडल अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम तहसीलदार घमंडी लाल मीणा को ज्ञापन सौंपा। सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पशुपालन व्यवसाय का महत्वपूर्ण स्थान है। राज्य की सकल घरेलू उत्पादन में 10% योगदान पशुपालन व्यवसाय से है, परंतु खेद का विषय है कि पशुपालन विभाग के अधीन कार्यरत अधीनस्थ पशु चिकित्सा स्वर्ण के कर्मचारी, सहायक सूचना अधिकारी, पशु चिकित्सा सहायक एवं पशुधन सहायक के साथ राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित व्यवहार किया जा रहा है। राजस्थान पशु चिकित्सालय कर्मचारी संघ द्वारा अपनी न्यायोचित मांगों के समर्थन में आंदोलन किया जा रहा है। इसी के साथ ही सरकार को चेतावनी दी, कहा है कि समय रहते मांगों का निराकरण नहीं किया गया तो मजबूरन कर्मचारी राज्य सरकार द्वारा जनहित में संचालित कल्याणकारी योजनाओं को ठप करने के लिए विवश होंगे, जिसकी समस्त जवाबदेही राज्य सरकार एवं विभाग के प्रशासन की होगी। कर्मचारियों ने ये भी कहा है कि पशु चिकित्सा कर्मियों की 11 सूत्री मांगों का शीघ्र ही द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से मांगों का निराकरण किया जाए।